राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 विदेशियों को, विधर्मियों को, फिरंगियों को किस प्रकार से चुनौती दी, सशस्त्र क्रांति वीर वीरांगनाओं ने, ऐसे उन सब लोगों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो अज्ञात हैं इतिहास में, जिनको कहीं स्थान नहीं मिला। और हमें जो बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। ऐसे ही उन 636-37 अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात 99% वो लोग जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व लुटाने वाले, उसी श्रृंखला और पंक्ति में आज एक नाम और जुड़ रहा है, अज्ञात कमाल का क्रांतिकारी श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, हाँ, एक 22 वर्षीय नौजवान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जब दादा, एक खास किस्म का ये शब्द किसी खास हम की टर्मिनोलॉजी में चलता है, जब दादा क्रांतिकारियों का दादा अर्थात बनारस जिले का मुख्य संगठक नियुक्त कर दिया गया, तो कुछ साथी जो थे उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये लड़कियों जैसी इस कोमलता है, इसके अंदर सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत खामोश रहने वाला, और ऐसा दिखता था कि चलो ये देशभक्त तो बहुत कमाल का है, लेकिन दादा बनने की और लीडर बनने की और सभी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने की क्षमता इसमें नहीं हो सकती। चलो अच्छा है, जल्दी ये अयोग्य सिद्ध हो जाएगा, फिर हम में से किसी का नंबर आ जाएगा। दादागिरी का अवसर, दादा बनने का अवसर फिर हमें मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने इतनी योग्यता के साथ संगठन का काम किया और ऐसी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया कि उसके आलोचक भी धीरे धीरे उसके प्रशंसक बनते चले गए। सभी ने उसको अपना नेता मान लिया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी मूल रूप से बंगाल के पबना जिले के रहने वाले थे, जहाँ 23 जून 1921 को उनका जन्म मोहनपुर ग्राम में हुआ था। उसके पिता श्री क्षिति मोहन स्वयं अच्छे देशभक्त थे और बंग भंग आंदोलन में, ये बंग भंग आंदोलन क्या था, बंगाल को डिवीजन करने का, डिवाइड करने का अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के अंदर, बंग बंग आंदोलन में, वो जेल भी काट आए थे। जब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की उम्र केवल 9 वर्ष की थी, तो तभी से उसके जो बड़े भाई थे उनके उनके बड़े भाई के साथ पिता ने उन्हें बनारस भेज दिया। बनारस में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होने लगी और क्रांतिकारियों के संपर्क में तो आना ही था बनारस, जब गढ़ था तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए राजेंद्रनाथ लाहिड़ी उस क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए, जिसे उस समय उस मुख्य संगठक सचिंद्र नाथ सान्याल, जिस दल के प्रमुख थे, उसके सदस्य बन गए। सचिंद्र नाथ सान्याल के मैंने काफी एपिसोड आपको अलग अलग क्रांतिकारियों के जब दे रहा था तो दिए हैं, कमाल के क्रांतिकारी। अपने उत्साही स्वभाव और साहित्यिक अभिरुचि होने के कारण राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का साहित्य परिषद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को साहित्य परिषद का सचिव चुन लिया गया। उनके लेख बंग बानी
और शंख पत्रिकाओं में छपते रहते थे। क्रांतिकारी विचारधारा के एक हस्तलिखित मासिक पत्र अग्रदूत का वो संपादन भी करते थे। बंगाल का एक अनुशीलन समिति, बंगाल की एक संस्था, वो अपनी एक शाखा उत्तर प्रदेश में खोलना चाहती थी। उस समय ये उत्तर प्रदेश का बनारस नगर क्रांतिकारियों का ठीक ठाक अच्छा केंद्र बन गया हुआ था। वहां बंगालियों की संख्या भी बहुत थी। बंगाल की अनुशीलन समिति की ओर से कुछ प्रतिनिधियों को बनारस भेजा गया, पर वो अधिक सफल नहीं हुए। अंततोगत्वा श्री जुगेश चंद्र चटर्जी को अनुशीलन समिति की ओर से बनारस भेजा गया, जहां उन्होंने समिति की शाखा कायम की। बनारस में शकिंदर नाथ सान्याल की क्रांतिकारी पार्टी पहले से ही काम कर रही थी। एक ही नगर में क्रांतिकारी संस्थाएं, दो क्रांतिकारी संस्थाएं, ऐसा शायद गुंजाइश नहीं थी, बात बिखर सकती थी। तो दोनों पार्टियों का एकीकरण हुआ और इस एकीकरण में दोनों पार्टियों का संयुक्त नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। एकीकरण की शर्तों के अनुसार बनारस जिले का संगठक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। जिले का संगठक नियुक्त होने के बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने बड़ी योग्यता के साथ कार्यभार संभाला, कार्य का संचालन किया। उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल के एक विद्यार्थी राम नारायण पांडे को अपना पोस्ट बॉक्स बनाया। अब ये पोस्ट बॉक्स क्या था? वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो केंद्र, वो विद्यार्थी जिसके नाम पर पत्र मंगवाए जाते थे, तो वो बात को खुफिया रखने के कारण और अपना पता न चले, एकीकरण की शर्तों में शर्तों के अनुसार ये बनारस जिले का काम इनको मिला था। लेकिन बनारस जिले का काम जो है वो बहुत दूर दूर तक उसकी गूंज जाने लगी। पत्थर मंगवाने का तो रामनाथ पांडे चुन लिए गए। क्या था ये? पुलिस की निगाहों से बचने के लिए ये एक खुफिया तरीका था, ये अपनाया गया था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जो भी काम दिया गया उन्होंने योग्यता के साथ संपन्न किया। प्रारंभ में वे राजनीतिक डकैतियों में भाग नहीं लेते थे, पर बाद में उनमें वो भी भाग लेने लगे। भाग लेते लेते वो इस कार्य में भी ठीक ठाक सिद्ध हो गए, अपनी योग्यता उन्होंने सिद्ध कर ली। शीघ्र ही उन्हें उस दल में सम्मिलित कर लिया गया जो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ट्रेन डकैती के लिए बनाया गया था। और इस दल की बैठक 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में संपन्न हुई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी इस बैठक में उपस्थित थे। 9 अगस्त 1925 की शाम को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर गाड़ी को ककोरी स्टेशन से कुछ आगे क्रांतिकारी दल ने जंजीर खींचकर रोक लिया था। सब पहले निश्चित था सब कुछ। ये ककोरी केस में कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जितना संबंध है उतना ही बताऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ये ट्रेन डकैती हो रही थी, निर्णय हुआ। और इस बैठक में 7 अगस्त 1925 को जो बैठक में निर्णय लिया गया था,
अब ये ट्रेन भी रुक गई थी, रोक दिया गया था, और सात क्रांतिकारी उस गाड़ी में शाहजहांपुर से सवार हुए थे, और राजेंद्र नाथ लाहड़ी, सचिंदर बख्शी और अशफाकुल्ला खां ककोरी स्टेशन से दूसरे दर्जे के टिकट लेकर डिब्बे में, दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ गए थे। जब गाड़ी ककोरी स्टेशन से चलकर कुछ दूर पहुंच गई तो राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक लिया। गाड़ी खड़ी होने पर सभी क्रांतिकारी गाड़ी से नीचे कूद पड़े और फायर करने लगे। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल पर लेट जाने की चेतावनी दी गई, वो लेट गए। यात्रियों को बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई, खबरदार खिड़कियां बंद करो, कोई बाहर देखेगा भी नहीं। साथियों रुपयों से भरे संदूक को जो पहले से प्री प्लान था, रेकी की गई थी, उस संदूक को नीचे गिराकर, नीचे लाकर तोड़ा गया और उसमें जो भरे हुए थे रुपए वो सब निकालकर क्रांतिकारी 9-11 हो गए। अभी घटना तो बहुत लंबी है, देख रहा है, इसमें इतना ही रेफरेंस ले, हम बहुत बार सुना भी चुका हूं। पुलिस की तत्परता के साथ गिरफ्तारियां आरंभ हो गई, लगभग सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जो लोग गिरफ्तार नहीं हो सके थे वे थे सचिंद्र नाथ बख्शी, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद। इनमें से दो क्रांतिकारी बहुत समय के बाद गिरफ्तार कर लिए गए, पर चंद्रशेखर आजाद तो कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। ककोरी ट्रेन डकैती के पश्चात राजेंद्र नाथ लाहड़ी कलकत्ता चले गए। वे वहां दक्षिणेश्वर में बम बनाना सीखने लगे। बम बनाने का हुनर सीखने के पश्चात उनका उत्तर प्रदेश में बम बनाने के अनेक कारखाने खोलने का निश्चय था, लेकिन इसी बीच में दक्षिणेश्वर के बम कारखाने में 10 नवंबर 1925 को पुलिस ने छापा मारा और वहां से जो क्रांतिकारी पकड़े गए उनमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी भी थे। 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला। बाद में पुलिस को जब ये पता चला कि राजेंद्र नाथ लाहड़ी तो काकोरी ट्रेन डकैती में भी सम्मिलित थे, उन्हें कलकत्ता से लखनऊ लाया गया, उन्हीं क्रांतिकारियों के साथ रखा गया जो ककोरी कांड के लिए पकड़े गए थे। अब उस समय 10 वर्ष का दंड तो इसको इनको पहले ही मिल चुका था, राजेंद्र नाथ लाहड़ी को। हाँ, ये उनसे सीनियर तो हो गए, इकट्ठे होके मस्ती तो आ गई, लेकिन जब जेल से अदालत की तरफ लेके जाते थे बाकी सभी क्रांतिकारियों को, अपने साधारण वेश में उन्हीं के कपड़ों में होते थे, ले जाते थे, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहड़ी को कैदी की ड्रेस में बेड़ियां डालकर अदालत में पेश किया जाता था। आप समझ सकते हैं राजेंद्र नाथ लाहड़ी कितने ऊंचे दर्जे के क्रांतिकारी रहे होंगे। और जब जाते थे तो उस समय देशभक्ति के गीत तराने गाते हुए मस्ती में झूमते हुए लोग इनको देखते थे। अब राजेंद्र नाथ लाहड़ी की यात्रा यहां तक आज हम इतना ही लेंगे। जेल जाना, अदालत जाना, 10 वर्ष का कठोर दंड पहले से ही मिला हुआ है, अब ककोरी का केस चला है, अब इसमें क्या क्या होगा, आगे का यात्रा उनकी कैसे चलेगी, ये हम कल देखेंगे। लेकिन एक बात तो सब लोग ध्यान दें कि देश की आज़ादी के लिए इस प्रकार के परवाने मस्ताने, इस प्रकार के लोग सर्वस्व निशावर कर रहे थे, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग, और जिन्होंने एक लाठी निखाई नेहरू और गांधी, और जिनकी जेलें भी सुविधाओं से परिपूर्ण थी, उन्होंने आजादी लेके दी, और कांग्रेस ने लेके दी, जिस कांग्रेस को इटावा के कलेक्टर सर A.O. ह्यूम ने बनाया था अपनी रक्षा कवच के लिए, ना कि आजादी देने के लिए। इन बातों को समय समय पर हमें समझना पड़ेगा,
इस दुष्ट कांग्रेस की मानसिकता को भी समझना पड़ेगा, आजादी के बाद नेहरू के जो पाप आजादी के टाइम में और बाद के पाप वो भी समझने पड़ेंगे। पर अभी तो हम समझ रहे हैं राजेंद्रनाथ लाहिड़ी उस्मान क्रांतिवीर को, जिसकी यात्रा हम कल फिर से आरंभ करेंगे। मेरा अगर ये प्रयास बिल्कुल अज्ञात, कोई नहीं जानता, ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।